बहुत समय पहले की बात है, एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि एक वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और एक वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी, उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजी रखा। रोजी के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया, 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राज भोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजी को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजी को अनमोल उपहार दिए बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राज भोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजी को ये श्राप दिया कि 16वें जन्मदिन पर रोजी की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्ण समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। जब 12वीं परी सामने आई, उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजी को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजी का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजी अपनी नींद से जागेगी हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजी के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजी सोती रहेगी। रोजी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब वे रोजी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए ताकि रोजी उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोजी का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वास पात्र दासी को रोजी का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था, दासी रसोई में काम कर रही थी। दासी को व्यस्त देखकर रोजी राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी, रोजी उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजी भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजी सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे के प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजी ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत कात रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही
बड़ी दुष्ट परी थी। उसने रोजी को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजी ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने दासी से रोजी के बारे में पूछा। दासी कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजी को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजी को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजी कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उसी पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजी को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया कि कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजी को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजी को राजमहल ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर के बाद राजा रानी दरबारी सैनिक राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजी की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजी को पाने की आशा से उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कटीली झाड़ियों में फंस कर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजी को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजी को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसने तलवार से सारी झाड़ियां काट डाली और राज्य में घुसने का रास्ता बना दिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबारों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजी सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजी के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने रोजी के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजी नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी राज दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजी और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजी और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजी महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें एक दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजी के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक है जिसने रोजी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिन बाद रोजी और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे।